फेसीटेटिंग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग तीन इसमें आपको लफ्स नजर आ रहे हैं फैसीिटेटिंग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग यानी हमारी कोई थिंकिंग ऐसी भी है जो कॉम्प्लेक्स है मुश्किल है और उसको हमने फैसिलिटेट करना है तो पहले हमने इन तीन बातों का मतलब ये समझना है इन तीन वर्ड्स का कि हाउ कैन वी फेसिलिटेट और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग दैट जनरल थिंकिंग दैट वी आर थिंकिंग अबाउट सम वन And uh, generally, we are thinking about different issues that is called uh, thinking. So, what is the complex thinking? Complex thinking, uh, as the word and the sentence is showing, when we think deeply on any issue, when we think uh, with logic about any issue or any event. So, is it complex thinking? So, there are two ways.

कंट्री में देखने को मिलती है इंस्ट्रक्शन की दो टाइप्स एक तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है एक स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब है दैट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम टीचर टूवर्ड स्टूडेंट्स सो टीचर कैन यूज एनी टीचिंग स्ट्रैटजी इधर इधर कैन लेक्चर मैथड इधर कैन डिस्कशन मैथड इधर कैन क्वेश्चन आंसर्स मैथड बट वैन इट इज डायरेक्ट थ्रू टीचर टू वर्ड स्टूडेंट दैट इज़ कॉल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अब इसमें टीचर की मर्जी है कि वो अपनी रेशो कितनी सेट करता है कि सेवेंटी परसेंट उसने टीच करना है और थर्टी परसेंट स्टूडेंट को इंगेज करना है या हंड्रेड परसेंट ही टीचर की मर्ज़ी चलेगी तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि हर एक चीज़ के बारे में डायरेक्शन आपको टीचर की तरफ से मिलती है तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है जिसको हम अभी कहते हैं कि डीप थिंकिंग लॉजिक के साथ तो वो तभी प्रमोट होगी अगर स्टूडेंट की इस लॉजिकल जो कैपेसिटी है उसकी सेटिस्फैक्शन टीचर की इंस्ट्रक्शन के साथ होती है टीचर अपने लेक्चर के साथ स्टूडेंट की इंगेजमेंट के साथ उस लेक्चर को जो है लॉजिकल बनाए या क्वेश्चन आंसर्स के साथ उसको कंप्लीट करे और फिर बच्चों की इंगेजमेंट उसमें मैक्सिमम करे तो फिर जाके बच्चों की जो क्योसिटी है उसकी सेटिस्फैक्शन होती है अब दूसरे नंबर पे जो इसकी टेक्निक है स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन जैसे ये नाम से ज़ाहिर है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उनको प्राइम प्राइमरीली जो है फोकस किया जाता है उसमें स्टूडेंट की इंटरेस्ट और नीड्स के मुताबिक जो है टीचर जो अपनी इंस्ट्रक्शन को प्लान करता है तो उसमें फिर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो क्या सोच रहा है उसके स्टूडेंट के क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है वो डीप क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच जो है ये इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हासिल है क्योंकि इसमें हम टीचर का, का काम क्या है स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना तो जब स्टूडेंट की एटीट्यूड एप्टीट्यूड और एज के मुताबिक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो फिर हम स्टूडेंट की उस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को किस तरह से सैटिस्फाई करेंगे इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होगी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे और उनकी थिंकिंग का अंदाज़ा होगा और उस डीप थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए टीचर क्वेश्चन करेगा और स्टूडेंट से आंसर्स लेगा या टीचर अपने लेक्चर को इस तरह से सेट uh, करेगा कि उसमें स्टूडेंट की तरफ से एक टॉपिक डिस्कस किया जाए स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर कर दिया जाए उनसे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करवा ली जाए तो ये सारी उनकी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को प्रमोट करने की जो है वो टेक्निक्स हैं सो so, डिपेंड uh, करता है कि टीचर कितना एक्सपर्ट है वो किसी भी किस्म की डीप थिंकिंग को किस तरह से उसका इनिशिएटिव जो है वो ले क्लास में उसको स्मूथली जो है वो रन कर सकता है सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टनेस एक्सपर्टनेस ऑफ टीचर हाउ टू रन स्मूथली दिस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड हाउ टू प्रमोट दिस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग थ्रू यूजिंग डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज